प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी में पंजीकरण की प्रक्रिया। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से जो सीखेंगे वो ये है कि जीएसटी के अंतर्गत पहली बात इसको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और कौन कौन लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो दोनों भी हम इसमें आएंगे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसकी प्रोसेस में सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, रूल्स क्या है, उसके बारे में आते हैं। देखें, इसमें दिया है, यदि कोई भी व्यापारी जीएसटी के लिए दायी है, यानी जिसको जीएसटी देना है, तो उसे अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, उसे करवाना ही पड़ेगा अगर वो जीएसटी देता है तो। यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियमों मैं अपना पंजीकरण करवा रखा था, ओल्ड रूल्स में, तो अब वह मान्य नहीं होगा, यानी पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन है वो सब इलीगल हो जाएगा, उसे नए सिरे से अपना पंजीकरण करना होगा। अब ये चीज़ मैंने कहा, जीएसटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज था कि जितनी भी कंपनियां, जितनी भी संस्था थे, उन सबको रजिस्ट्रेशन अब दोबारा से करवाना था। तो ये, क्योंकि ये सारा जो नया रजिस्ट्रेशन था वो पूरे, जिसको बोलते हैं ना, ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर था, आधार कार्ड से लिंक था, पैन कार्ड से लिंक था, तो उसके जितने भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे लिंक करने के बाद में इसको लिया गया। सरकार जीएसटी लागू करने करके न केवल अप्रत्यक्ष कर बल्कि प्रत्यक्ष कर, आयकर की वसूली भी बढ़ाना चाहती है। ये बात हमने समझी कि भाई जैसे जैसे जीएसटी बढ़ेगा, इनकम टैक्स भी इसमें बढ़ेगा, इसीलिए जीएसटी के पंजीकरण में पैन की विशेष भूमिका होती है। तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ इस नियम में कि रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, व्यक्तिगत जो टैक्स के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति पैन की सहायता से घर बैठे कंप्यूटर या इंटरनेट की सहायता से अपना पंजीकरण करवा सकता है। ये भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है सारी की सारी, कहीं ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है। इस प्रकार से पूर्व के अधिनियम की तुलना में जीएसटी में पंजीकरण करवाना बहुत सरल है, क्योंकि किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता। पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति ना तो अपने ग्राहकों से कर एकत्र कर सकता है और न ही उसके द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर इनपुट जमा का दावा कर सकता है। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है। दो चीज़, अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, जैसे छोटा व्यापारी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, तो उसके साथ दो बातें होने वाली है। एक, वो अपने ग्राहक से जीएसटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? उसका सीधा सीधा कारण है कि वो जीएसटी लेता है तो उसे गवर्नमेंट में जमा कराना है, और जमा कराना है तो रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, इसलिए वो जीएसटी नहीं ले सकता, एक बात। दूसरा, अगर वो मान लो ऐसी कोई वस्तु बेचता है जिस पे वो जीएसटी चुका कर आया है पीछे परचेज पे, तो उसकी भी इनपुट क्रेडिट उसको नहीं मिलेगी। अगर ऐसा वो चाहता है, यानी कोई भी व्यापारी ऐसी वस्तुएं बेचता है जिस पे टैक्स चुका के आया है और उसे छूट लेनी है, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये दोनों ही बातें नहीं हो सकती हैं। यानी आपके जीएसटी काटने वाले व्यक्ति से आप पूछ सकते हो, भैया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है क्या? वो कहता है हाँ है, तो वो जीएसटी ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता है। पंजीकरण संबंधी विभिन्न प्रावधान, केंद्र वस्तु सेवा कर यानी सीजीएसटी एक्ट की धारा 22 से 30 में वर्णित है। क्योंकि मैंने कहा कि सेंटर का जो नियम है ना, उसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होगा और ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है। मैं आप लोगों को ये भी विशेष चीज़ बता दूं कि ऑनलाइन में सारा रजिस्ट्रेशन होना बहुत आसान है। आप अभी बैठ के रजिस्ट्रेशन की इसकी साइट पे जाओ, आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पुटअप करो, आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस कर दिया, सारा ऑनलाइन बेस्ड है। उसके बाद में आगे आता है, अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त वस्तु और सेवा कर नियम सीजीएसटी रूल्स भी बनाए गए हैं, तो उस नियमों के अंतर्गत चलता है। इसमें नियम 8 से 26 तक पंजीकरण संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है। इन सभी धाराओं और नियमों को इस अध्याय में विस्तार से समझाया गया है, वो हम अभी देख ही लेंगे। सबसे पहली जो अपने आता है, पंजीकरण संबंधी प्रमुख प्रावधान नियमानुसार हैं। पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या करवाना होगा, तो वो कहता है प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी अधिनियम की धारा 2107 में भी कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा में
यहीं लिखा है कि कर योग्य व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 22 से 24 के अधीन पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए दायी है। पंजीकरण निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है? नंबर वन, एक पूर्तिकर्ता, कोई भी सप्लायर होता है, अ सप्लायर, कोई भी पूर्तिकर्ता जिसका कुल आवर्त निर्धारित सीमा से अधिक है, जिसका टर्नओवर, आवर्त का मतलब क्या होता है? टर्नओवर, सेल्स जिसको हम बोलते हैं। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्तिकर्ता सप्लायर विशेष वर्ग के राज्यों से विभिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करवाने के लिए दायी होगा जहां वह माल और सेवा या दोनों की कर योग्य पूर्ति करता है और किसी वित्तीय वर्ष में उसका कुल आवर्त एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से अधिक है। केवल माल की पूर्ति करने वाले के लिए यह सीमा 40 लाख है, बशर्त कि वह विशेष राज्य में न हो। तो बहुत स्पष्ट इसने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यदि वो क्या करता है, केवल माल की पूर्ति करता है, ऊपर वाले में तो था क्या, गुड्स एंड सर्विस, और केवल प्रोडक्ट ही देता है, सर्विस नहीं है, तो ये सीमा 40 लाख हो गई है। और कुछ विशेष राज्य को वो कहता है छोड़ दो क्योंकि उनकी सीमाएं अलग चलती हैं। आगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के राज्यों में से किसी राज्य में माल या सेवा के कर योग्य पूर्ति करता है, विशेष राज्य या विशेष वर्ग के लिए उसका कुल आवर्त 10 लाख से अधिक है, तो वह उस राज्य वर्ग के राज्य में पंजीकरण करवाने के लिए दायर होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आगे, परंतु सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के निवेदन करने पर सरकार उस राज्य के कुल आवर्त की सीमा बढ़ा सकती है, परंतु 20 लाख से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। जो 10 लाख है ना, उससे वो बढ़ा सकती है अगर कोई राज्य निवेदन करे तो। स्पष्टीकरण, यदि पूर्तिकर्ता सप्लायर को किसी जमा, अग्रिम या दिए गए ऋण पर ब्याज या बट्टे की आय होती है तो यह माना जाएगा कि वह केवल माल की पूर्ति करता है। केवल पंजीकरण के उद्देश्य से फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ लिमिट ऑफ 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूसिवली, सारांश रूप में पंजीकरण करवाने तो निम्न नियम है। तो ये बहुत स्पष्ट इसने बता दिया इस पॉइंट में कि 20 लाख और 40 लाख जैसी भी परिस्थिति हो से अधिक यदि टर्नओवर है तो वह व्यक्ति उत्तरदायी है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर विशेष राज्य है तो वहाँ पे 10 लाख का नियम लागू होता है। साथ में ये भी कह दिया अगर राज्य कहे तो वो उसको बढ़ा सकता है लेकिन 20 लाख से अधिक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, छोटे उपक्रम को GST के पंजीकरण से मुक्ति। तो जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं उनकी मुक्ति के बारे में वो कहता है, तो उसके प्रावधान अपने यहाँ पे इसमें देखेंगे। कर मुक्त सीमा संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस फॉर एग्जम्पशन लिमिट्स, किस किस के लिए है? थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन में वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर यदि 10 लाख है, कहाँ पे? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये 10 लाख हो गया। 20 लाख की लिमिट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, बोथ गुड्स एंड सर्विस। 40 लाख की सीमा इन ऑल स्टेट, सारे राज्यों में, पहले और दूसरे को छोड़कर, फर्स्ट और सेकंड था उसको छोड़कर, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, किसके लिए है? केवल ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है। और उसके बाद में चौथा पॉइंट आया, 20 लाख इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट वन, पहले को छोड़कर, है ना, और उसमें क्या है, फॉर सप्लाई ऑफ आइसक्रीम और पान मसाला एंड टबैको प्रोडक्ट्स के लिए, और 20 लाख इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट मेंशन इन वन, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बात वहीं आई, पर ये एक शॉर्ट टेबल आ गई जिसमें सारा ओवरऑल, कि इससे ऊपर यदि कोई टर्नओवर, किसी व्यक्ति का एनुअल टर्नओवर है, वो अगर इससे ऊपर जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आगे, अब इसमें एक शब्द आया एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं वो अपने इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर वन, सभी कर योग्य पूर्ति उस आवक पूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय होगा। तो सभी कर योग्य कोई भी टैक्सेबल सप्लाई है तो वो इसके अंतर्गत आएगी।
इसमें जो ब्रैकेट में लाइन लिखी हुई है ना रिवर्स चार्ज, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, विपरीत प्रभार बोलते हैं इसको, वो बाद में आएगा। सेकंड, कर मुक्त पूर्ति, अगर कोई कर मुक्त पूर्ति है वो भी इसमें जोड़ ली जाएगी। माल या सेवा या दोनों का निर्यात, वो भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। किसमें? एग्रीगेट टर्नओवर में। ये सारे पॉइंट 1, 2, 3 जो भी हैं वो सारे जोड़कर उसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। नंबर 4, ऐसे व्यक्तियों को जो अंतर्राज्य पूर्ति को एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो या जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो, तो ये उसके अंतर्गत आपके आएगा कि टर्नओवर में ये 4 चीज़ें आपको जोड़नी है। और कुल टर्नओवर में निम्न करों को सम्मिलित नहीं करेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस ग्रॉस टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जोड़नी है, तो CGST नहीं जोड़ना है, SGST नहीं जोड़ना है, UTGST, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, और एकीकृत कर IGST और सेस, ये सारी चीज़ें नहीं जोड़नी है। फिर जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 20 लाख से ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो सामान्य नियम 20 लाख है जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए है, और यदि केवल गुड्स है तो वो लिमिट 40 लाख की है। बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए, विशेष राज्य तो अलग बात हो गई। आगे सेकंड नियम देखें इसका, पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो GST लागू होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखता था, उसे GST अधिनियम प्रारंभ होते ही पंजीकरण करवाना होगा। यानी जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस डेट से जिस दिन GST लागू हुआ, उससे पहले अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है किसी भी अधिनियम में, अब उसे दोबारा से GST का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अनिवार्यता पढ़ रहे हैं ना हम मुख्य पॉइंट, तो अनिवार्यता में है। अनिवार्यता में तीसरा पॉइंट, यदि व्यवसाय हस्तांतरण अथवा उत्तराधिकार में मिला है, किसी व्यक्ति को क्या हुआ कि पहले उसके पिताजी कर रहे थे उसका बिजनेस था, अब उसके बेटे को वो सारा बिजनेस मिल गया है, ऐसी स्थिति होती है तो क्या? जब कभी इस अधिनियम में पंजीकृत कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को चालू संस्थान के रूप में उत्तराधिकार या अन्य हस्तांतरित किया गया हो, जिसे कारोबार का हस्तांतरण किया है उसे हस्तांतरण की तारीख से पंजीकरण करवाना होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हमेशा इसमें जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो आपकी कैसे रहेगा, जो व्यक्ति उसको चला रहा है उसके नाम पे रजिस्टर्ड रहेगा। इसका मतलब पूर्व में तो क्या है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, मान लो 50 साल पहले जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुई फर्म, उसी टाइम से वो चलता आ रहा था। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब जिसको उत्तराधिकार में मिलता जा रहा है ना, हर बार रजिस्ट्रेशन में वो उसके चेंज को अपडेट करेगा कि अब उसका मालिक कौन है और कौन उसे चला रहा है। तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। नेक्स्ट, कंपनियों के विलय की दशा में, यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं किसी योजना की मंजूरी या कंपनी के समामेलन की दशा में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में, या दो से अधिक कंपनियों के विलय आपस में मिल जाती है दो कंपनियां के मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख या कंपनी रजिस्ट्रेशन द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यानी ऐसा कभी भी होता है कि दो कंपनियां एक साथ मिल गई है, विलय का मतलब मिलना होता है, मर्जर बोलते हैं, है ना, तो वो, या अलग हो जाना, डीमर्ज भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग कंपनियां बन गई, अगर दो मिल जाती हैं तो भी नई कंपनी बनेगी, और दो अलग अलग हो जाते हैं तो कंपनियां बनेगी, तो ऐसी स्थिति में उनको भी ये क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बस आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे।